सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आपको संबोधित कर। मित्रों, श्री राहुल गांधी जी अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष में हैं और चित्र विचित्र प्रकार से भारत विरोधी विश्वमन में संलग्न है, परंतु इस बार जो हुआ है वो अपने आप में बहुत गंभीर और पूरे देश के लिए विचारणीय है। वे भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इलान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था, और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक के और इलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चचा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये इलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। I don't want to live in India. I doesn't value skilled people. I doesn't have the freedom of faith. Indians, as in India, there are hateful peoples. Indians doesn't allow the different languages. Indian identity is not acceptable. Indian society is casteist. Indians, social media influencers are for UC only. Or separatist. Or जो कश्मीर में टेरर के परपेट्रेटर थे उनका समर्थन है। तब यहां पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, आज 11 सितंबर है
11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। एक बहुत दुखद याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9/11, और इस समय संयोग से राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 9/11 के जो प्राइम एक्यूज थे खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद अट्टा, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाइएगा जिसने उनके पक्ष में सहानुभूति का बयान जारी किया हो, कोई टीवी चैनल दिखाइएगा जिसने 9/11 के बाद इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति दिखाई हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेलोर था और सिक्योरिटी लैप्स था ना, बल्कि पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फर्म रिजॉल्व किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और बराक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में, 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही, और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी, और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या, वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है, देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो। दूसरा याद करते हुए दिल भर आता है, आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है, और 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहां शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आज 11 सितंबर है, अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी के की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मान लूंगा, क्योंकि यह बहुत साफ है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानी, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य? आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप ऐलान उम्र से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? एक अमेरिकी सांसद, आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंजामिन गिलमन, उसको पद्म भूषण मिला था, भारत के डाई हार्ट सपोर्टर थे, ही डाइड इन 2016। आई वॉज नो बडी, आई मेट बेंजामिन गिलमन इन अगस्त 2000। पूछे मिले थे कब? भारत के पक्ष लेने वाले आज से 20-25 साल पहले से आपकी सरकारें थी, गैरी एकरमैन, एडवर्ड रॉयस, फ्रैंक पेलोन, जोसेफ क्रॉली, कभी मिले हो इनसे? केलान उमर ही मिलते हैं। कभी तुलसी के बाड़ से मिले? नहीं। इसलिए आज हम बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जो बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, पहले तो मैं एक चीज कोट भी कर देना आप चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने, सैम पित्रोदा जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी अब वो बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत वो, चूंकि वो इस समय अमेरिका की धरती पे हैं, तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत आए थे
और राहुल गांधी जी से मुलाकात के आधार पर राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी की थी जो मैं कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी हैज ए नर्वस अनइन्फॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ ही वर ए स्टूडेंट हु हैज डन द कोर्स वर्क ही इज ईगर टू इंप्रेस द टीचर बट डीप डाउन लैक्ड आइदर द एप्टीट्यूड और द पैशन ऑफ द सब्जेक्ट। द प्रॉमिस लैंड रिटन बाय बराक ओबामा पेज नंबर 601। इसके लिए जानते क्या कहा जाता है? आप लोगों ने से जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें एक फ्रेज है, एक किंग जेम्स फर्स्ट होता था जिसके सारे दरबारी उसको बहुत बुद्धिमान मानते थे और बाहर वाले समझते थे हमेशा कुछ ना कुछ उजलूल करता है, तो इसको शब्दशा ना लिया जाए। कहावत थी किंग्स जेम्स द फर्स्ट वॉज अ वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियन डम। सो इन माय ओपिनियन द सेम थिंग अप्लाइज टू राहुल गांधी फॉर कांग्रेस डम। अब यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो बात अंकल सैम ने कही है मैं उनकी बात से सहमत हूं, जो उनको संज्ञा दी जाती थी अब वो नहीं है, अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं, अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। और मैं कहना चाहूंगा एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गर्व विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ ऊपर उठ रहा है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूर्व में जाकर, मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, वो कहते थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड चुप क्यों हैं? बस राहुल गांधी का एक वक्तव्य कोट करता हूं पॉलिटिकली जो उन्होंने मार्च 2023 में इंग्लैंड में बोला था। जब उनसे पूछा गया था मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट एंड बीजेपी इज कम्युनल। तो मुझे लगता है हर चीज का आदर्श विदेशों में ढूंढने वाले लोग हमेशा, विदेश से ही अपनी प्रेरणा लेने वाले लोग आज विदेश में ही जाकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। और उन्हें यदि लगता है कि विदेश में के पास कोई ताकत है तो मैं कहना चाहूंगा वो दिन गए जब विदेश भारत को प्रभावित कर लिया करता था। आपको लगता होगा विदेश का प्रभाव, तो एक पंक्ति में कहते हुए अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा इन सारे लोगों के लिए जो आज भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एब्रॉड से ढूंढते हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। मोहित भट्ट सर, and we have seen that how NCA in their manifesto have said that they will bring back Article 370. Now, Ilhan Omar is somebody who has always advocated for separate Kashmir. She has always been with the Pakistani side. Do you think there is a pattern? Because Home Minister has also stated that Rahul Gandhi standing with the divisive forces, be it with the NCA or people who are talking about separatism. It's not just the issue of that National Conference is having in their manifesto that they want to take. Reinstall Article 370. I want to ask him, so what will happen to SC, ST and OBC reservation in Kashmir? The Valmiki community will go to the same stage that their boy and girl, howsoever educated he or she may be, they will have to do only the work of the cleanliness employee, Safai Kamchari. And it's not just Mr. Farooq Abdullah, who is a senior most leader of National Conference in 2020, has said that they will take the help of China to get 370 restored. Mr. Farooq Abdullah in 2016 has said that he want pre-1953 status, in which there was a separate constitution, separate flag and separate prime minister, Sadr-e-Riyasat. So, I want to ask Mr. Rahul Gandhi and Congress party president of former party president of Jammu Kashmir, Mr. Saifuddin Soz, in his book has written कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो यह सिर्फ एक जस्ट एक इवेंट नहीं है, दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट डेराइव्ड बाय अ स्ट्रक्चर्ड नेफेरियस नोटोरियस एंटी इंडिया पॉलिसी। पीयूष, पीयूष प्लीज, नीरज जी।
as far as the reservation is concerned, Rahul Gandhi has said that we will think about scrapping reservation when India is a fair place. So India is not a fair place. This is what he is saying. नहीं नहीं वो आप उनकी बात समझ नहीं पाए. उनका ये मानना है कि वो जब फेयर प्लेस मतलब जो उनका मजबूत वाला वोट बैंक पक्का हो जाएगा ना तब रिजर्वेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी. क्योंकि जहां वो पक्का हो जाता रिजर्वेशन खत्म हो जाता. कश्मीर में खत्म, जामिया मिलिया इस्लामिया में खत्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खत्म. तो समझ रहे ना वो पक्का वाला मजबूत वाला वोट बैंक जो है वो जब हो जाएगा तो उसके हिसाब से देन इट विल बी ए फेयर प्लेस इन विच एवरीथिंग विल बी इन वन कलर. Then everything will be fair. और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं आप सबके सुलभ संज्ञान के लिए, बाबा साहब अंबेडकर ने जब रिजर्वेशन की शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की है 10 अगस्त 1950, द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक. उसमें क्लियर कट लिखा है थर्ड पैरा के पॉइंट नंबर 2 में कि जो हिंदू रिलीजन में को नहीं मानते हैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं माने जाएंगे, कभी शेड्यूल कास्ट में नहीं लाए जाएंगे. सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में आपने 2013 में मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट में लाने के लिए बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश की थी और उसकी रिकमेंडेशन में ये लिखा हुआ है और जहां जहां मौका पाया है आपने निपटा दिया है. तो जो दिल के अरमान है ना वो किसी और के लिए हैं, बाहर का चेहरा किसी और के लिए. नीरज पांडे सर, एलान उमर ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कहा था कि या तो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए या कश्मीर को यूके के साथ मिला के कंट्री बना दिया जाए. और इस समय जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी ये जो स्टेटमेंट ये जो फोटो मुलाकात ये सब कहीं ना कहीं आपका जम्मू कश्मीर के चुनाव से? देखिए आप कभी ये सोचिए कि एलान उमर या कोई भी अमेरिकी सांसद इस ढंग की बात ही क्यों कर पाता है. क्योंकि ये गलती तो उसी समय हो गई थी जब जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे और आज उन्हीं के खानदान के चश्मचिराग बैठकर उन लोगों के साथ बैठे हैं. तो उनके बयान पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा वो जब्र भी देखे हैं तारीख के मंजर ने कि जब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई. परंतु आप चिंता मत करिए, 5 अगस्त 2019 को जैसे सेटल कर दिया है अब वो दिन गए, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा. एक मिनट एक एक करके ले लेते हैं. सैलेन जी हैं दूरदर्शन से. हालांकि आपने आधा जवाब दे दिया है आरक्षण पर, जितना करोड़ था कि वो एक समय आगे खत्म करना चाहते हैं आरक्षण, नहीं वो बता नहीं पाए. 1961 में ही उनके दिल की आरजू थी कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए. जवाहरलाल नेहरू की चीफ मिनिस्टर्स को लिखी हुई चिट्ठी है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं, पर्टिकुलरली सर्विसेज में ये लिखा हुआ है. तो ये उनका खानदानी तवक्को है. TV9 आमोद राय. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश देखिए बांग्लादेश पर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए जाके, तो कहते हैं आई एक्सटेंड माई गुड विशेस टू मोहम्मद यूनुस एंड नॉर्मल सिचुएशन जल्दी बहाल होनी चाहिए बस. ठीक है, ना कहीं अत्याचार का बात है ना कहीं हिंसा हो रही है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है. और हमास पे जाके ट्वीट देखिए, ह्यूमैनिटी की किलिंग हो रही है, हजारों बेगुनाहों को मारा जा रहा है और इन सारी चीजों को खत्म होना चाहिए. ये क्या बात है भाई. और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, अच्छी तरह बांग्लादेश की घटना से याद करिए. बांग्लादेश में आज जो हुआ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी BNP, इसने 2001 में जमात इस्लामी को रिकग्निशन दी थी और अपनी सरकार में एक मंत्री पद दिया था. पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जमाते इस्लामी को बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने 2001 में दी. आज कहां है BNP, सिर्फ जमात है या फौज है. तो यहां भी जो ये ख्वाब संजो रहे हैं ना कट्टरपंथियों के साथ गलबाही करने के, राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के सहयोगी, उनसे कहना चाहूंगा याद रखो लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. रवि कांत राय, TV8, थैंक्स नोवा.
सुधांशु जी, राहुल गांधी ने एक और बयान दिया, उन्होंने चीन को लेकर कहा है कि दिल्ली का जो एरिया है उसके बराबर लद्दाख में चीन की सेना ने उस जमीन को एक्वायर कर रखा है। देखिए, चीन के बारे में वो बार बार बोलते रहते हैं और कहते हैं चीन से भारत की तुलना नहीं हो सकती है, पर मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या मिस्टर ली फोंग शू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, गायब हो गए थे। क्विंग गैंग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, गायब हो गए थे। मिस्टर ली हिया चाउ, ये रॉकेट कमांड जो मोस्ट एलीट कमांड है चाइना की, उसके जनरल थे, गायब हो गए थे। जैक मा का तो नाम सुना ही होगा, अलीबाबा के मालिक जो 29.8 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे, गायब हो गए थे। उसके बाद मीडिया में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछने दिया गया। जो 5 साल में एक बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनियम होता है, पिछले प्लेनियम में केवल हु जिनताओ की हाथ पकड़ के बाहर ले जाती तस्वीर के अलावा बताइए किसी मीडिया के पास एक तस्वीर तक है बयान को छोड़ के। और उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना हमसे बहुत बेहतर स्थिति में है। और उसके बाद राहुल गांधी जैसे लोग उन लोगों की जय जयकार करते हैं। मुझे लगता है कि और कुछ नहीं है, या तो चीन के साथ हुए करार का इकरार है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले ये उपहार का खुमार है, जिसके लिए चीन के लिए उमड़ता प्यार है और भारत के लिए हमेशा नफरत की दरकार है, भारत सरकार के लिए, भारत की फौज के लिए। अंबुज पांडे जी के सर, शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण का जो विरोध चल रहा है वो उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है और स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। कैसे आप सर, इसमें एक चीज ऐड करनी थी, अनिरुद्ध सिंह जो वहां के मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में खुद कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मस्जिद जो है वो इलीगल है, उसे गिराना चाहिए और वक्त में उसको कब्जा कर रखा है। और इस पे लेकिन टॉप लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी की अभी तक बिल्कुल चुप है, क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स आप इसको देखते हैं? राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है, डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया, जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठी चार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड बाउंड ब्रिटेन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया? अरुण दाता प्लीज प्लीज रुक। हां सर, बीजेपी की नजर में क्या कांग्रेस आतंकवाद, देखिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाते हो, बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते हो, अफजल गुरु के लिए आंसू बहाते हो, उनमें से किसी को आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में नहीं देखा होगा और कलाम मेमोरियल पे नहीं देखा होगा, कभी वीर अब्दुल हमीद के घर पे नहीं देखा होगा, अशफाक उल्ला खां के घर पे नहीं देखा होगा और उस्ताद बिस्मिल्ला